दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सैन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। सुबह सुबह मैं आ गया हूं फिर से वो सूचना देने की। रात को मुझे कुछ नाम जानकारी हुई थी कि दो तीन नाम हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक पर मुहर लगा था, उसका नाम नहीं पता था। तो लाइव में मैंने आपको नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मनोज शाह नाम के व्यक्ति की कल गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी तक जो इसमें मुख्य तो नहीं कह सकते, लेकिन मास्टरमाइंड जो हैं वो है करीमनगर पंचायत के मुखिया पति सुभाष चौधरी और कुमोद शाह। जैसा कि आप उस जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आप देख सकते हैं ये दोनों कैसे हथियार के साथ, यानी कि लाठी डंडे के साथ, और सारे नाम हैं जैसे सूरज चौधरी हैं, ये सब पूरा वीडियो में है, जो स्थानीय लोग हैं वो पहचान कर सकते हैं। वो उसमें पाया गया कि ये लोग कैसे अकबर अंसारी को मारपीट कर रहे थे। एक की गिरफ्तारी हुई है और सब वहाँ से भाग गए हैं। लोगों का तो यहाँ तक ये कहना था, मुझे सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी प्राप्त हुआ है, कि उस समय जब गिरफ्तारी हुई मनोज शाह की, उस समय मुखियापति और सुभाष चौधरी और कुमोद शाह भी अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, या पुलिस की लापरवाही समझे कि उन्हें भागने दिया गया। लेकिन अभी के लिए जो कहते हैं ना लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो लेटेस्ट न्यूज ये हम आपको बता रहे हैं कि आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस मनोज शाह को। लेकिन अभी से मोहद्दीनगर के जो बड़े बड़े नेता हैं वह दबाव बना रहे हैं थाना पर कि यहीं से छोड़ दें। यह दबाव बनाया जा रहा है कि आगे लेकर नहीं जाना है। तो सोचिए कि नेता किसी भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जो अपराधी होता है उसका समर्थन करता है, वो कैसा नेता हो। आप लोग समझिए, मोहद्दीनगर के लोग समझिए कि जो मोहद्दीनगर के बड़े बड़े नेता हैं जिनको आपने सिरमौर बनाया है, वही अब अपराधी को बचाने में लगे हैं। जो लड़ने वाला है वो लड़ता है, यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री, गृह विभाग, चाहे जहाँ तक हो लड़ता है, PMO तक जाकर लड़ता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो नहीं कहीं जा सकते हैं, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? यही पुलिस प्रशासन से मिलेगा, जो दौड़ भाग कर सकता है, जहां तक जा सकता है जा सकता है। लेकिन बीते दिन मेरा भी विश्वास डगमगा रहा था कि क्या जांच नहीं हो रही या स्थिल पर गया है। मेरे पास लेटर आया गृह विभाग से कि पटोरी DSP पर जांच होगी। उसके बाद कल एक लेटर आ गया कि मोहद्दीनगर के RO हैं उन पर भी जांच होगी। अब तो जांच होगी, लेकिन ये समय देखिए काफ़ी लेट हो गया। क्यों लेट मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अब जो नाम काटकर मेरे केस से FIR से हटाया गया है उसमें CO और RO का नाम तो है नहीं, तो जांच क्या? तो सबसे पहले जांच ये होनी चाहिए कि CO और RO की उपस्थिति में यह घटना हुई थी पंचायत भवन के अंदर, स्वतंत्र पत्रकार पर जो हमला हुआ था, वो उसका एक ही प्रूफ है, वह है CCTV कैमरा। क्योंकि सुभाष चौधरी जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि अगर आप उनका डिटेल देखिएगा तो 5-6 केस हैं, मैंने ट्वीट भी किया था पूरा केस नंबर के साथ ट्विटर पर बिहार DGP को, और समस्तीपुर SP साहब को भी मैंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि देखिए इनकी इतनी आपराधिक घटनाएँ हैं, इसमें संलिप्त हैं ये लोग। फिर मेरे साथ जो हमला हुआ, लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाया जाए, नहीं तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। और देखिए उसके बाद हो भी रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, और पुलिस, स्थानीय पुलिस, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, देखिए स्थानीय पुलिस या तो नेता के दबाव में रहते हैं, यहाँ के स्थानीय जो बड़े बड़े नेता हैं उनके दबाव में रहते हैं, और अभी भी दबाव बना रहे हैं कि मनोज शाह जो अभी गिरफ्त में है, ये हमें जानकारी हुई कि मनोज शाह की गिरफ्तारी हुई है कल, तो उन्हें अभी यहीं से छुड़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो यहाँ से बड़े बड़े नेता लग रहे हैं कि यहीं से इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सारे देखिए जान मारने के उद्देश्य से अकबर अंसारी पर हमला किया गया था, उसी का न्यूज करने को लेकर के पत्रकार, यानी कि मुझे आशीष आर्यन पर देखिए जानलेवा हमला, वो भी सरकारी पदाधिकारी के उपस्थिति में किया गया था, और सबसे बड़ा उसमें स्टार्ट हुआ था वो है मोहद्दीनगर के RO जो अभी वर्तमान में है हेमंत अंकुर, उन्होंने ही पहले कॉलर पकड़ के मैं गले में जो ID लगा होता है वो पकड़ के खींचे थे। तो अभी भी कल्प्रिट बाकी हैं, इन पर भी गिरफ्तारी हो सकती है, सरकारी पदाधिकारी हैं तो जाँच चल रहा है, लेकिन किस तरह से जाँच चल रहा है अभी भी, इतना 3 महीने हो गए, लेकिन अब विश्वास जगता है कि समस्तीपुर SP साहब विनय तिवारी जी ने
इसको अपने संज्ञान में लिया है और जिस तरह से कल एक गिरफ्तारी हुई, अब विश्वास है कि जल्द ही जल्द मुखियापति सुभाष चौधरी, कुमोद शाह, सूरज चौधरी और सारे बहुत सारे नाम हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और सरकारी पदाधिकारी जो हैं मोहदीनगर के पूर्व सीओ प्रमोद कुमार रंजन जी और वर्तमान में अभी आरओ हैं हेमंत अंकुर जी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है अगर सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है तो। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो अपराधी अभी पकड़ाए गए हैं कम से कम उन्हें तो ना छोड़ा जाए, नहीं तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो उन्हें भी होगा, छोड़ देंगे और वह फिर से अपराधी जो घटनाएँ हैं उसमें संलिप्त होकर के और लोगों को नुकसान कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।